देखो भाई आज हम मम्मी के साथ आए हैं अपनी मम्मी के डेरे पे। यहाँ पे बहुत मानती हैं, यहाँ पे आती हैं, एक बार तो आई जाती हैं सत्संग में। तो ये देखो जी एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है, बहुत अच्छी जगह है। अभी हम आपको सारा घुमा के दिखाएंगे डेरा, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ के। ये है जी मम्मी यार का डेरा खटोली, बहुत अच्छी जगह है जी, बच्चों का बड़ा मन लगा यहाँ आके। अच्छा। देख रहे हैं ये मम्मी अपना डेरा घुमा रही है हमें। चलो जी दिखाओ आप, मम्मी यार का सत्संग का डेरा है जी। ये नीचे यहाँ से, चलो तुम नीचे आ जाओ, ये देखो जी मम्मी सारा अपना डेरा घुमा रही है हमें। हमारी मम्मी महीने में एक बार या दो बार यहाँ जरूर आती है जी सत्संग में। फिर शूज निकाल के जाना है जी। लाइट जलाएं, कैसा लग रहा है ये? हैं दक्षिणो तुम ये भी होगी सर। अच्छा ये तो हॉल है, ये बड़ा हॉल है, एक पॉकेट है। मैं देख लेता हूँ, दक्षिण रुको मैं देखता हूँ। ये देखो जी ये अंडरग्राउंड है, यहाँ क्या करते हैं मम्मी? यहाँ पर सत्संग होता है। अच्छा। और सारे प्रोग्राम होते हैं सत्संग के, मेडिटेशन रूम है। वैसे मेडिटेशन रूम है जी, ये अंडरग्राउंड है ये ना। यह हॉल है जी बहुत अच्छा, देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है। ये अपने सारे गुरु जी हैं यहाँ के, जो इनके पुराने गुरु जी थे। ये पहले गुरु जी? हाँ जी, ये सिद्धार्थ सिंह जी महाराज। अच्छा जी, देव सिंह जी महाराज, बलवंत सिंह जी महाराज और सब पंत जी महाराज। तो यहाँ पे बैठ के सत्संग करते हैं, यहाँ पे बैठ के सत्संग करते हैं जी गुरु जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है इसके अंदर, ठंडा है अंदर, गर्मी में अंडरग्राउंड है, गर्मी में एसी की जरूरत नहीं आती यहाँ पे। ये देखो चाय प्रसाद आया हमारे लिए, पर चाय हमने पी ली है, अब आपको ऊपर जाके दिखाते हैं जी। मेडिटेशन रूम हम देख के आगे नीचे, ये यहाँ पे वाशरूम से संगत के लिए वाशरूम है। ये पीछे क्या है? पीछे भी है। अब मम्मी हमें दिखाएगी भाई अपना डेरा, ऊपर जाएंगे हम। इतने प्लांट्स हैं? हैं? 34 प्लांट्स। ओके। चलो सारे चलो। चलो। अब चले जी ऊपर देखने है ना, सेकंड फ्लोर पे। ये ऊपर जा रहे हैं, पहले नीचे अंडरग्राउंड हमने हॉल देखा जहाँ पे सत्संग होता है। ये देखो बाहर का नज़ारा, पहाड़ दिखते हैं यहाँ से। ये देखो जी, हाँ ये मोरनी, ये बाहर का नज़ारा देखो जी सामने आपको। ये देखो पहाड़, ये हिल्स दिखाई दे रहे हैं। अब जा रहे हैं ऊपर से, और अच्छा दिखेगा, बड़ा प्यारा व्यू। ठंडी हवा चल रही है अच्छी, ये देखो कितना अच्छा बना ऊपर। जब से क्रिश आया इंडिया को पहली बार इतना मजा आया यहाँ डेरा देख के। चलो चले हैं। चलो गिरदनी नॉर्मल। चलो ये देखो जी ट्विन टावर वाली फीलिंग ये बनाया हुआ छोटा साले के लिए। ये ना जब संगत हमारे यहाँ भंडारा होता है तो संगत को लंगर यहाँ पे खिलाया जाता है, ऊपर वहाँ पे खिलाया जाता है। हाँ जी, लेडीज को जेंट्स इधर, जेंट्स इस छत पे खाते हैं जी खाना। बहुत अच्छी खुली जगह है, कितना प्यारे है, देखो कितना प्यारा नज़ारा है यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुली जगह। ये जमीन में भी डेरे की है? ये नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो बाबा जिनकी कोठी थी, खाई थी मैंने। हाँ हाँ, ये देखो वो उनकी। अच्छा, ये मम्मी के रिलेटिव है जी, ये सारी जमीन उनकी है, तो डेरा भी इनके मम्मी का अपनी ही जमीन में है। ये जो हमारे गुरु जी रहते ना, आते ना वो ये उनकी कुटिया है, यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये रहते ना ये गुरु जी की ऊपर बनाई हुई है जी छोटी सी कुटिया, वो इसमें रहते हैं जी। जब आते हैं ना आश्रम, अभी तो है नहीं यहाँ,
लोग है अभी, चलो अभी है नहीं यहाँ पे गुरु जी, 11 तो 11 तारीख को गुरु जी आएंगे, तब 11 मार्च उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है जी। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे, तो मैं लेके बच्चों को आऊंगी मैं यहाँ भंडारे में लेके। ये देखो जी, ये इधर से फ्रंट है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, दिखाएंगे वो भी आपको। ये जब यहाँ भंडारे चलते हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो संगत आते हैं, तो इन कमरों में रुकती है ना। साथ चारों तरफ रूम्स हैं। ये देखो जी नीचे फ्रंट है, ये सारे रूम्स हैं जी संगत के लिए, अटैच बाथरूम के साथ सारे। इधर इधर ऊपर, चलो 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 जी। हम ये देखो जी, ये ऐसा दिखता है जी सामने से, हम उधर से आए ना। हाँ हाँ उस साइड से आए, वो तो बहुत बड़ा है जी। चलो हाँ बहुत बड़ा है डेरा। ये नीचे गार्डन है जी डेरे का बनाया हुआ। चलो दादा स्वयं भाई जी, ये मामा जी हैं हमारे, तुम्हारे अच्छे मामा जी हैं जी। नमस्ते जी, नमस्ते। चलो ये भी संगत के रूम है। हाँ चारों तरफ जितने भी रूम दिख रहे हैं वो उनके लिए हैं, जो डेरे में संगत आती है, है ना, भंडारे के टाइम पे। ये भी हमारा डाइनिंग रूम है। हाँ यहाँ पर कुर्सियाँ ले जाती हैं। अच्छा, ये भी डाइनिंग टेबल वगैरह डल जाते हैं, यहाँ पे भी लंगर खाते हैं, जिसके भी जिसपे नीचे नहीं बैठा जाता कुर्सियों के लिए, कुर्सियों का यहाँ पे चेयर डाल देते हैं जी, जो नीचे नहीं बैठ सकते, तो वो ये अभी इनका डाइनिंग रूम है, लंगर रूम बोल दो उस तरह से। तो यहाँ बड़ा अच्छा बनाया हुआ, ये भी देखो जाली लगी है जिससे मक्खियाँ मुखियाँ नाश के अंदर है ना। ये देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है जी, पूरा बहुत अच्छा और तरीके से बनाया हुआ है जी, प्रॉपर पूरी जाली जोड़ी प्रॉपर लगाई है, मक्खी मच्छर नाश के अंदर है ना। यहाँ पे कुआ था पहले टाइम में, अब बंद हो गया। कुएं पुराने टाइम में कुएं का पानी पीते थे है ना, अब तो चलो सबमर्सिबल वगैरह लग गए। अब तो कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छी तरह सजाया गया जी। ये देखो जी आप ये जो देख रहे हो, ये गार्डन छोटा सा बनाया है बैठने के लिए। गार्डन ऊपर चलते हैं ना, ये तीसरे फ्लोर पे चले, थर्ड फ्लोर पे आ गए हम सबसे ऊपर। ये इधर स्कूल है, ये बच्चों का इंटर कॉलेज, ये मम्मी ने बताया जी बच्चों का स्कूल है इंटर स्कूल, यहाँ पे ना बुके की सामने से आ जाएगी फोटो। हाँ जी वो बुके की मड़ी है जी यहाँ पे सामने ही, अच्छी है मड़ी भी काफ़ी, बहुत अच्छी बना। हाँ जी ये देखो कितना बढ़िया ऊपर से स्टार्टिंग, और ये सामने दिख रहा ना ये। हाँ जी ये वो है बरातपुर थेरेपी है यहाँ। अच्छा वो ठीक, गांव का ही, गांव का ही ये, इनके गांव का खटोली का है जी। यहाँ पे कोई बारात कोई फंक्शन हो इनका तो वहाँ पे इंतजाम करते हैं ये लोग, काफी अच्छा गांव है खटोली। ये देखो जी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से, अच्छा ये सारे जितने भी आस पास घर हैं जी, ये मम्मी के परिवार के घर हैं सारे, क्योंकि मम्मी का जो गाँव है यही है खटोली, बाद में ये बेशक वहाँ सहारनपुर में रहने लगे थे, पर मेन इनका जो गोगा माड़ी चाहे बाबे की, ये देखो जी माड़ी भी बहुत अच्छी बन रही है इस गाँव की, तो ये खटोली की माड़ी है जी, बहुत अच्छी माड़ी है। ये हमारा बस स्टैंड है, ये देखो ये खटोली गाँव का बस स्टॉप, यहाँ से बस में बैठते हैं, वो सामने स्कूल हो गया, ये इधर मम्मी और का डेरा हो गया, ठीक है जी, वो प्लस टू तक का स्कूल है ये गोगा माड़ी, वो
सामने इनका कोई भी जैसे मैरिज पैलेस लगा लो आप, हाँ ये इस रोड है इनका मेन रोड जो गांव में आता है, और ये पीछे कितना अच्छा व्यू है, खेत अंदर हिल बहुत अच्छा व्यू है। अगर बारिश हो जाए ना एक बार उसके बाद बहुत अच्छा देखने को लगता होगा यहाँ, क्योंकि नज़ारा ही अच्छा लगता है। मम्मी तो जी यहाँ 10-10 दिन रह के जाती है, मम्मी का अश्वनी की मेरी वाइफ की गुड़िया छोटी वो भी यहाँ पे 15-15 दिन रह के जाते हैं, बहुत मन लगता है इनका यहाँ पे, कई जगह इतनी अच्छी। वो है जी मम्मी की ताई जी, ताई जी है ना, ये हमारे गुरु जी हैं जो उनकी मम्मी है ये। अच्छा जी, चलो ये भंडारा रहा है हमारा जिसका राशन पानी खाने का रखा रहता है, और ये भी संगत के रूम है सारे। अच्छे सारे संगत के रूम है जी, मम्मी बता रही है। और ये हमारा बहुत बड़ा हॉल है, अंदर देख अंदर से करवाना है। एक एक तो अंडरग्राउंड हॉल था, एक ये भी हॉल है उसके लिए सत्संग के लिए। इधर भी बहुत सारे कमरे हैं। अच्छा ये सारे ऊपर संगत के लिए रूम बड़े हो गए जी, क्योंकि जब यहाँ भंडारा चलता है ना तो बहुत लोग आते हैं ना, छोटा पड़ जाता है। हाँ जी ये छोटा पड़ जाता है, इतना बड़ा भी इनको, लोकल तो चले ही जा रहा है ना, बाकी जो दूर दूर से लोग आते हैं तो वो रुकते हैं जी। हजारों की अमृतसर हरियाणा से सब आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं जी यहाँ पे। मैं भी आया वैसे यहाँ 2-3 बार मम्मी के साथ। यहाँ पे है हॉस्पिटल। अच्छा ये हॉस्पिटल, ये देखो जी ये सबसे बढ़िया चीज, हमारे मामा जी डॉक्टर हैं तो यहाँ अपनी सेवा देते हैं जी, है ना, डॉक्टरी की। जैसे भंडारे में लोग आते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो फ्री में उनका इलाज होता है जी यहाँ, दवाई भी फ्री है। आजकल तो कोई है नहीं, भंडारा है नहीं, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया चीज है जी। हर चीज सब है। होते हैं पे। अच्छा ये लोग लगाया जी अभी, क्योंकि मामा जी है नहीं यहाँ पे, अभी भंडारा नहीं है ना। जब भंडारा पड़ेगा, भंडारा होता है 12 मार्च पे, पूरा अंदर मेडिसिन मुडिसिन सारा सब कुछ है। हाँ जी बहुत बढ़िया जी, देखती हूँ तो यहाँ पे किचन टेम्परेरी किचन तैयार करी है ना। हाँ जी देखो हमारे चावल बने, दाल बने, जी ये अपना जितने भी थोड़े बहुत 10-15 बंदे हैं उनके लिए खाना बनता है, और ये टेम्परेरी रसोई सेट करी है जो असली रसोई है। ये वीडियो बना रहा, इसका चैनल चलता है। अच्छा देख लिए बेटे, इसमें ये अपने मामा जी हैं जी, डॉक्टर साहब। हाँ जी तो जी ये यहाँ पे मतलब जब बंडा रहता है तो फ्री सेवा देते हैं जी यहाँ पे, जो बाय चांस कोई प्रॉब्लम हो जाए बंदा है ना, तो बिल्कुल इमरजेंसी हो जाए फर्स्ट एड, तो यहाँ पे प्रॉपर इंतजाम है जी हर चीज का। ये देखो जी खाना बन रहा है, जितने भी इस टाइम 10-12 बंदे हैं उनके लिए टेम्परेरी रसोई है, असली जो रसोई है उसमें किचन में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा जी आके। ये देखो जी सेवा करते हैं यहाँ पे, ये लगे हैं जी खाना खाने के बाद, है ना, भंडारे के टाइम तो अलग ही नजारा होता होगा जी। बाकी ये देखो कितना बड़ा, ये कुआ है दक्ष, दक्ष ये कुआ है, इसमें से पानी निकलता था इसमें से, अभी ये बंद कर दिया, पहले इसमें से ही पानी निकलता था, है ना। अच्छा ये मेन किचन है जी, मम्मी ने बताया मेन किचन है, बहुत बड़ी किचन है यहाँ पे। अच्छा ये सारा किचन है जी, है ना, सारा किचन है, ये किचन है जी पूरी तैयार, देखो काम लगा हुआ है यहाँ पे। ये देखो जी वाटर कूलर लगा है ठंडा पानी, ये देखो जी ये यहाँ पे अभी 11 तारीख को भंडारा है तो किचन में काम लगाया जी, क्योंकि संगत बहुत आएगी। अभी किचन छोटी पड़ जाती थी इनको वो वाली, अभी इन्होंने साइड पे भी ये बड़ी किचन कर दी, देखो जी बहुत ही बड़ी किचन है। ये देखो इधर, ये देखो इधर
रही है जी उधर, कह रही है यहाँ पे आके दिखाओ। ये भी शोरूम है जैसे भंडारे में सब सामान रखा जाते हैं बर्तन वगैरह। अच्छा ये शोरूम बना जी नया है ना? हाँ नया ही है। हाँ ये रेनोवेशन करा, ये इसमें बर्तन बर्तन भंडारे के सारे इसमें आ जाते हैं जी। और एक ये मम्मी एक ही है दिखा रही है जी। भंडारे का जो बड़े बड़े बर्तन है पतीले है ना, ये सारा सामान इसमें रखा है जी। बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है जी, जो पूरा आश्रम बहुत अच्छी तरह मैनेज किया हुआ है जी। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा गया है। ये देखो काम लग रहा है इसमें, ये भी कोई मशीन है ना, ये आटा गूंदने की मशीन है जी। क्योंकि भाई इतनी संगत की रोटी बननी है, हाथ से तो आटा कहाँ बनेगा। ये वाटर कूलर ठंडे पानी की सेवा के लिए। और ये इधर भट्टी रखी है जी, ये देखो जी ये चूल्हे जैसे स्टाइल के, इन पर रोटी बनती है, इन पर रोटी बनती है। ये देखो ग्रिल, ये ग्रिल है जी। ये देखो कितना बड़ा चूल्हा पतीला रखा जाता है। और ये यहाँ पे डिश वॉशिंग के लिए जी जगह, बर्तन साफ होते हैं यहाँ पे। बस मम्मी संगति कर देती होगी सारा, संगति संगत सब सेवा संगति करती है, कोई यहाँ पे वो नहीं आता। हाँ मैं वगैरह बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग आके यहाँ सेवा करते हैं। बड़े बड़े ये बाथरूम है, ये बाथरूम है किचन स्टाफ के लिए है ना। ये देखो जी चार पांच बाथरूम है, ये देखो बहुत अच्छे है बाथरूम। ये जो पानी निकलता है जी समरसीबल यहाँ पर होगा, कुआ तो बंद हो गया। ये मम्मी दिखा रही है जी, फिर जो जेंट्स वॉशरूम है ये चार चार है अंदर जेंट्स के लिए। चलो जी ये देखो जी यहाँ पे हाथ धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए। यहाँ पे भी लेडीज बैठ के बर्तन साफ करते रहते हैं, बड़े बड़े पतीले जो होते हैं वो यहाँ पे साफ होते रहते हैं। ये देखो जी पुराने टाइम का नल का, ये पता नहीं अब चलता होगा या नहीं, चलता नहीं ना। ये देख हैंडपम्प उसको चला, ये देखो जी क्रिश पहली बार देखेगा ऐसे चला, उसको पानी आएगा यहाँ से नहीं। और इसको चलाना भी नहीं आता, ये देख ये ऐसे पकड़ना है, यहाँ जा चल चला दबा पीछे से पकड़, पीछे से लास्ट में से यहाँ से या पुश कर। वाह देख हैंडपम्प है ये, तू भी देख ट्राई करके। ये देखो ये इसमें से पानी भरते हैं, दक्ष तू भी देख ले ट्राई करके, दक्ष को भी दे करने दे। ये हैंडपम्प है, पीछे से पकड़ के ऊपर नीचे करो, दबाओ नीचे कर, ये दिखा रहा पानी ठंडा पानी है, ये नीचे से आ रहा है पता। चलो आ जाओ, ये लो जी पर नीचे अंडरग्राउंड रूम देखा था, अब ये है जी इनका मेन रूम जहाँ पे सत्संग होता है जी। बहुत बड़ा ही ह्यूज रूम है, ये देखो जी कितना बंदा है इसमें, हजार बंदा आराम से बैठ जाता होगा, 8,000 बंदा ज़्यादा ही आ जाते हैं जी। ये देखो कितना बड़ा रूम है, हॉल है पूरा। अच्छा हाँ जी ये गुरुजी की गद्दी है, ये यहाँ पे गद्दी बड़ी है जी, यहाँ पे बैठ के सत्संग चलता है जी। महात्मा संत महात्मा आते हैं वो उनके भी प्रवचन चलते हैं। अच्छा यहाँ प्रवचन चलते हैं जी इस गद्दी पे बैठ के, ये गुरुजी हैं जी मम्मी अर के सत्संग है। ये मम्मी अर के गुरु जी हैं जी। हाँ ये जो मेन जो है ना ये तो साउंड सिंह जी महाराज व्यास वाले। अच्छा जी इनके जो ये प्रेम सिंह जी महाराज है इनके गुरु ही हैं साउंड सिंह जी। अच्छा 17 साल इन्होंने वहाँ पर बाल ब्रह्मचारी है ये प्रेम सिंह गुरु जी महाराज जो है। हाँ जी खटोली डेरे के, तो इन्होंने 17 साल व्यास में साउंड सिंह जी महाराज से नामदान लिया हुआ है इन्होंने, और ये इनके शिष्य है, ये इनके गुरु है साउंड सिंह जी महाराज, ये इनके गुरु हैं जी। हाँ और ये इनके शिष्य हैं जो सब यहाँ पे खटोली आश्रम के
गुरु मान चलाते चलाते थे। खटोली आश्रम इन्होंने स्टार्ट किया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। कितने साल हो गए मम्मी जाने इस आश्रम को? इनको 1978 में तो इनकी अभी पूछ के बताती हूँ ताजू को पता। 78 अराउंड है ना। हाँ जी नहीं 78 में तो इनकी परम संत सिद्धार्थ। अच्छा 78 में ये चल अपना जी परलोक को चले गए थे जी। बाकी ये अभी देखिए हमारे स्टोर है, गद्दे वगैरह कुछ थे, बिछाई होती बिछाई का सामान है, और उधर भी हमारा इलेक्ट्रिशियन रूम भी है इधर। ठीक है जी। जो ताई जी हैं आपके उनको पता होगा सारा। हाँ सारा पता होगा। तो जी अभी हमने देखा बाकी जो यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। मम्मी की ताई जी है वो 80-90 साल के आसपास उनकी एज है। तो जी वो हमको बताएंगे सारा कुछ कि कब आश्रम स्टार्ट किया था, कितना टाइम हो गया और किसने स्टार्ट किया था। मम्मी तो छोटे छोटे थे जी, उन्होंने बताया 8-9 साल की थी मम्मी जब यहाँ पे आना स्टार्ट किया था अपनी ताई जी के साथ। तो बहुत अच्छा जी। ये है जी एक सत्संग होता है यहाँ, डेली सत्संग जैसे थोड़ी बहुत संगत होती है रोज। तो जैसे उनके लिए ही है ये डेली सत्संग चलता है हमारे यहाँ शाम को 3-5 बजे तक। 3-5 बजे तक डेली जो लोकल लोग हैं यहाँ के वो आ जाते हैं, है ना। थोड़े बहुत संगत जो रहती है वो भी आ जाती है। मतलब वही 50-100 बंदों के लिए बहुत है। हाँ जी हाँ जी, है ना, वो उसके लिए आ जाता है। हाँ ये मतलब बड़ा हॉल नहीं, रोज मतलब साफ करना पड़ता है ये वो। मेन टाइम पे होता है भंडारे में, डेली डेली यूज भी होता है। हाँ जी ये छोटा हॉल पर छोटा ही फिर भी बहुत बड़ा है, पर उनको देख के छोटा है, उनको देख के छोटा है। जी देखो जी ये मेरी मम्मी जी है, ये हमारी मम्मी जी की ताई जी हैं जी। ये मेरी तो थोड़ा सा ताई जी ने हमें बताया कि भाई मम्मी छोटी सी 7-8 साल की यहाँ पे आती हैं जी इनके साथ। तो बस अब मेरी जानने की इच्छा है कि कितना पुराना है जी यहाँ पे सत्संग, कब स्टार्ट हुआ था जी ये, कितना टाइम हो गया इस आश्रम को? आश्रम को जब प्रेम सिंह जी महाराज थे ने शुरू किया। हाँ जी हाँ जी शुरू की मेरी बात सुन ले। हाँ जी उसका मन्ना साल का नहीं पता, अंदाजा तेरे भाई ने पता। हाँ जी उसी साल अंदर सतपाल का जन्म हुआ। अच्छा बस गिन ले कितने साल हो गए अंदाजा। हाँ अंदाजा 60 साल के आसपास। सुषमा तो छोटा 62 साल लगा। हाँ, साथ ऐसे है जी। देखो एग्जैक्ट तो पता नहीं क्योंकि उस टाइम में इतना करा नहीं था नोट, पर इनके अंदाजे से जी 62 साल हो गए हैं डेरे को, तब से आ रहे हैं जी यहाँ पे। ठीक है जी। और आपकी एज कितनी होगी जी? आपकी उम्र कितनी? 90 साल उम्र है जी। 90 साल की उम्र है जी इनकी, मम्मी की ताई जी की। और मेरी भी 65 तो मेरी भी होगी। 65 मम्मी होगी जी, 90 गई होगी। इन्होंने 8 साल के थे मम्मी जब यहाँ पे मम्मी आती थी इनके साथ। तो पहले तो छोटा होगा जी बहुत, है ना, जब स्टार्ट किया था बहुत छोटा था, यही था बस ये इधर उधर का पोर्शन इतना ही था जब इन्होंने स्टार्ट किया ना जी। तो जो हमने लास्ट में छोटा हॉल देखा है ना ये वाला, ये था जी बस पहले। पर फिर इनको बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जी आपने देख लिया कि कितना बड़ा यहाँ पे आश्रम बन चुका है जी अब। जो हमारे गुरु तो बता रहा ना जी किस और आगे आगे ऐसा भी है कि जैसे ऊपर भी जगह है, मे भी आने वाले टाइम में तीसरा फ्लोर भी रेडी हो जाए यहाँ, है ना, क्योंकि संगत बहुत आती है जी। संगत बहुत आती है पूरे ऊपर जा। हाँ देख लो जी हजारों बंदा यहाँ पे आता है जी भंडारे के टाइम। 11 तारीख को भंडारा है जी, है ना, 12 का भंडारा है जी यहाँ पे। अब तो देखेंगे हम भी आएंगे मम्मी के साथ। तो अब भंडारे में अलग ही रौनक होगी जी यहाँ पे बहुत। बाकी ये तो जी यहाँ पे सारे परमानेंट रहते हैं। ये जो भैया बैठे हैं ये यहाँ के संस्थापक हैं। अच्छा जी मंदिर है यहाँ के। अच्छा जी ये यहाँ के मेन मतलब सारा देख रेख यही करते हैं ना जी। लो जी इतना जैसे मेन इंचार्ज हैं। हाँ जी हमारे डेरे के ये रहते हैं परमानेंट। ये परमानेंट है जी, ये मतलब यहाँ जो भी मैनेजमेंट चलती है सारी इनकी है जी। ये बहुत साफ सफाई का ध्यान रखा गया है जी, मतलब बहुत अच्छा लगा जी यहाँ के पूरा साफ सफाई का ध्यान रखा गया है। कोई बच्चों का भी बहुत पहली बार जब से बच्चे कनाडा से आए उनको पहली बार किसी जगह मन लगा के यहाँ बहुत अच्छा लगा जी बच्चों को भी। वो पीछे यहाँ बैठी है उसका भी मन लग रहा है यहाँ। ठीक है जी। तो जी अब हम जाके यहाँ पे भंडारे में बैठ के भोजन ग्रहण करेंगे, भोजन खाएंगे। तो देखते हैं अब। हाँ जी ये लंच का टाइम हो गया, अभी लंच कर लिया। देखो जी ये हमारे लिए खाना लग गया यहाँ पे। ये लो जी हैंड वॉश कर रहे हैं, अब खाना खाएंगे।
अब खाना खाया जाएगा। जो लेना बेटे डाल, थोड़े थोड़े खा लो बेटे। नहीं जो तू दे दे दे, मैं डाल के दे दे। हां जो नहीं इसका कम नहीं रख दिया मैं, ले ले। मम्मी पूरी ये शक्कर रख दे प्लेट में, कुछ इसको दे दे। ये लग गया जी हमारा डाइनिंग टेबल। अब यहां पे हम बैठ के बस अब यहाँ पे खाना खाएंगे। तो देखो स्टील के बर्तन, हाथ धो के बैठे जाओ सारे। तो अभी यहाँ खाना डाल दिया, दाल चावल मेरा फेवरेट फूड, मेरा फेवरेट फूड है ये। ये जी बेटे ये लंगर में ना यही खाना चलता है ज्यादा। ये फूड है जी हमारा आज का, बहुत अच्छा फूड है, मेरा फेवरेट फूड है दाल चावल। हाँ, ले। फुलका भी है बेटे, फुलका भी लेना है, फुलका भी रोटी लेनी है आपको। ये है जी मेरा फूड आ गया, दाल चावल और वो रोटी फुलका मुझे दे दे भाई। खा रहे हैं अभी हम खाएंगे जी। ठीक है जी अपना भोजन ग्रहण कर ले। ये शक्कर चावल ले नहीं है लेते नहीं ले। अभी हम खाने लगेंगे खाना, दाल चावल बताते हैं आपको कैसे बने हैं। बहुत बढ़िया दाल है, बहुत स्वाद है दाल चावल।